Hello students, today we will discuss about levels of care in high risk pregnancy. First of all, level 1st, basic care. Definition: care of low to moderate risk pregnancies with ability to detect, stabilize and initial management of unanticipated maternal, fetal or neonatal problems that occur during the antepartum, intrapartum and postpartum period until the patient can be transferred to a facility at which specialty maternal care is available. Means इसमें क्या होता है कि जो low to moderate risk वाली जो pregnancies होती है उनकी केयर करना, जिसमें मैटरनल, फीटल और नियोनेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल पीरियड में ही डिटेक्ट करना एंड स्टेबलाइज करना एंड उनका मैनेजमेंट करना कि जब तक उनको स्पेशलिटी मैटरनल केयर फैसिलिटी वाले सेंटर में ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए. ठीक है, मीन्स उनको स्पेशलिटी मैटरनल केयर जो सेंटर होते हैं उनमें ट्रांसफ़र करने तक उनकी उनका मैनेजमेंट किया जाता है. अब देखते हैं इनकी कैपेबिलिटी या फैसिलिटी. तो लेवल 1st में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं कि कैपेबिलिटी एंड इक्विपमेंट टू प्रोवाइड लो एंड मॉडरेट रिस्क मैटरनल केयर एंड बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉर वुमेन एंड न्यूबॉर्न. कि लेवल 1st में इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज हमेशा अवेलेबल होती हैं जो कि लो टू मॉडरेट रिस्क मैटरनल केयर प्रोवाइड करें एंड कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर हो उसके लिए रेडी रहें. ठीक है, और वो इमरजेंसी प्रोसीजर वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए हो सकता है. एबिलिटी टू बिगिन इमरजेंसी सी सेक्शन एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे. ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड ऑब्स्टेट्रिकल यूएसजी अवेलेबल. ऑब्स्टेट्रिकल यूएसजी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है. सपोर्टिव सर्विसेज लाइक लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड ब्लड बैंक. ठीक है, यहाँ पे सपोर्टिव सर्विसेज भी अवेलेबल होती है जैसे कि लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह और ब्लड बैंक वगैरह. मैनेज अदर कंडीशन लाइक सीवियर हाइपरटेंशन, मैटरनल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. ठीक है, एंड यहाँ पे अदर कंडीशन भी मैनेज की जाती है जैसे कि सीवियर हाइपरटेंशन है या फिर मैटरनल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन हो. देन स्टेबलाइज एंड द एबिलिटी टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट टू ए हाई लेवल हॉस्पिटल. एंड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है कि हाई लेवल हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल होती है. देन अब देखते हैं इसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. एवरी बर्थ अटेंडेड बाई एटलीस्ट 1 क्वालिफाइड बर्थिंग प्रोफेशनल. एवरी बर्थ प्रत्येक जो डिलीवरी होती है उसको अटेंड करने के लिए एटलीस्ट 1 क्वालिफाइड बर्थिंग प्रोफेशनल स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल होता है. फिजिशियन विद प्रिविलेज टू परफॉर्म इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन अवेलेबल एट ऑल टाइम. फिजिशियन यहाँ पे अवेलेबल होता है जिसको कि विशेष अधिकार होता है कि वो इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करवा सके. ठीक है, एट ऑल टाइम. प्राइमरी मैटरनल केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल एट ऑल टाइम. ठीक है, प्राइमरी मैटरनल केयर प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं. एप्रोप्रिएट ट्रेंड एंड क्वालिफाइड आरएन. ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट एंड ट्रेंड एंड क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती है. एनेस्थीसिया प्रोवाइडर सच एज एनेस्थोलॉजिस्ट नर्स एनेस्थेटिक्स एंड असिस्टेंट रेडी अवेलेबल एट ऑल टाइम.
ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टाइम एनेस्थीसिया प्रोवाइडर्स भी अवेलेबल होते हैं। देन देखते हैं लेवल सेकंड, स्पेशलिटी केयर डेफिनेशन। लेवल फर्स्ट फैसिलिटी प्लस केयर ऑफ एप्रोप्रिएट टू हाई रिस्क एंटीपार्टम इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो लेवल फर्स्ट है उसकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ में जो हाई रिस्क एंटीपार्टम इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम जो कंडीशन होती है उनकी भी यहाँ पे एप्रोप्रिएट केयर होती है। और इनकी क्या क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या इनमें फैसिलिटी होती है कि लेवल फर्स्ट कैपेबिलिटी, लेवल फर्स्ट वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनके साथ साथ में यहाँ पे सीटीजी स्कैन एमआरआई यूएसजी ईसीजी भी यहाँ पे होता है और साथ में विद इंटरप्रिटेशन रेडीली अवेलेबल एंड साथ में इनकी रिपोर्टिंग भी रेडीली अवेलेबल हो जाती है। देन यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन होते हैं, लेवल फर्स्ट फैसिलिटी प्लस लेवल फर्स्ट वाली फैसिलिटीज़ के साथ में यहाँ ओब्स गायनी रेडीली अवेलेबल एट ऑल टाइम। ओके, फिजिशियन ऑब्स्टेट्रिकल लीडरशिप इज ए ब्रॉड सर्टिफाइड। ओके, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एट ऑल टाइम एंड इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड जनरल सर्जन रेडीली अवेलेबल एट ऑल टाइम फॉर ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट। ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट के लिए यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड जनरल सर्जन रेडीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऑल टाइम। अब देखते हैं लेवल थर्ड या सब स्पेशलिटी केयर डेफिनेशन। लेवल सेकंड प्लस केयर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैटरनल कंडीशन ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। इसमें लेवल सेकंड के साथ में मोर कॉम्प्लेक्स जो मैटरनल कंडीशन होती है एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन होती है एंड जो फीटल से रिलेटेड कंडीशन होती है उनकी भी यहाँ पे केयर करना। इनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, अवेलेबल ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। यहाँ पे ऑल ब्लड कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जैसे होल ब्लड, आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट, ये सब यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। फीटल असेसमेंट इंक्लूडिंग डोपलर स्टडी, फीटल असेसमेंट के लिए डोपलर स्टडी वगैरह भी यहाँ पे होती है। बेसिक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यूटेरिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है, बेसिक रेडियोलॉजी जो इंटरवेंशंस होती हैं वो भी यहाँ पे होती है एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे सारे। मेडिकल एंड सर्जिकल आईसीयू भी यहाँ पे होते हैं। देन यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है नर्सिंग लीडर्स एंड एडुकेट नंबर ऑफ आरएनस हु मैनेज वुमेन विद क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस। जो यहाँ पे नर्सिंग लीडर्स के साथ में एडुकेट नंबर पे रजिस्टर्ड नर्स भी होती हैं जो वुमेन्स का वुमेन्स को मैनेज कर सके जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन में है, ठीक है, उनको वो मैनेज कर सकती हैं और अच्छी एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। एंड बोर्ड सर्टिफाइड ओब्स गायनिक फिजिकली प्रेजेंट। ओके, एंड बोर्ड सर्टिफाइड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन ऑब्स्टेट्रिकल एंड एनेस्थीसिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड से सर्टिफाइड ऑब्स्टेट्रिक भी अवेलेबल होता है एंड बोर्ड सर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होता है जो कि ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थीसिया में ही ट्रेनिंग एंड उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब स्पेशलिटीज इन क्रिटिकल केयर जनरल सर्जरी
है ना, सब यहाँ पे सब स्पेशलिटीज भी होती हैं, जैसे कि क्रिटिकल केयर एंड जनरल सर्जरीज में, एंड इन्फेक्शियस डिजीज, हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, बिहेवियरल हेल्थ एंड नियोनेटोलॉजी रेडिली अवेलेबल कंसल्टेंट एट ऑल टाइम। ठीक है, तो इन सब जो स्पेशलिटीज़ हैं, इन सब के भी यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं। देन लेवल फोर्थ, रीजनल पेरिनेटल हेल्थ केयर सेंटर डेफिनेशन। लेवल थर्ड प्लस ऑन साइट मेडिकल एंड सर्जिकल केयर ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैटरनल कंडीशन एंड क्रिटिकली इल प्रेग्नेंट वुमेन एंड फिटसेस थ्रू आउट एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, पार्टम नहीं है सॉरी, पोस्ट नेटल केयर। तो यहाँ पे ऑन साइट पे मेडिकल सर्जिकल केयर अवेलेबल होती है, जिसमें कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैटरनल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल इल प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर जो क्रिटिकल इल फीटस होते हैं, उनकी इंटरनेटल और एंटीनेटल और पोस्टनेटल में उनकी केयर केयर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज होती हैं, ऑन साइट मेडिकल एंड सर्जिकल केयर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटरनल कंडीशन विद द क्रिटिकल केयर यूनिट एंड आईसीयू बेड। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल केयर होती है ऑन साइट पे ही, जो मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स मैटरनल कंडीशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट एंड आईसीयू बेड भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि क्रिटिकल केयर पेशेंट रखे जाते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल गायनिक गायनिक से रिलेटेड पेशेंट। देन आईसीयू केयर ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट विद को मैनेजमेंट विद मैटरनल फीटल मेडिसिन टीम डेली राउंड बाई एमएफएम विद इंटरेक्शन विद आईसीयू टीम। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीयू केयर जो होती है ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट की, उसके साथ में जो मैटरनल फीटल मेडिसिन टीम है उनका भी को मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एंड जो जो एमएफएफ है मींस मैटरनल फीटल मेडिसिन जो है वो डेली उनका डेली राउंड होता है, और आईसीयू टीम के साथ में भी उनका डेली इंटरेक्शन होता है। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मैटरनल फीटल मेडिसिन टीम विद एक्सपर्टाइज टू मैनेज हाईली कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल इल और अनस्टेबल मैटरनल पेशेंट। तो यहाँ पे मैटरनल फीटल मेडिसिन टीम होती है जो एक्सपर्टाइज होती है इन हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस क्रिटिकल इल पेशेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज लाइन लीडरशिप विद एडवांस डिग्री एंड नेशनल सर्टिफाइड। यहाँ नर्सिंग सर्विसेज लाइन भी एडवांस डिग्री के साथ में होती हैं, जो नेशनल सर्टिफाइड होती हैं। कंटिन्यूस अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ आरएनस एक्सपीरियंस इन केयर ऑफ वुमेन विद कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन विद क्लोज कोलैबोरेशन विद अदर नर्सेज। ओके, यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली होती हैं और एडिक्वेट नंबर में होती हैं, मतलब और मतलब जो मतलब जिनको एक्सपीरियंस हो क्रिटिकल केयर एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, एंड उनका अदर नर्सेस के साथ में भी उनका क्लोज कोलाबरेशन होता है। एंड देन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फिजिकली प्रेजेंट इन ऑल टाइम। ठीक है, यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है। एटलीस्ट वन ऑफ फॉलोइंग सब स्पेशलिटीज रेडिली अवेलेबल एट ऑल टाइम फॉर कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट एज नीडेड। न्यूरोसर्जरी, कार्डिक सर्जरी एंड
ट्रांसप्लांट, ठीक है, इन सब स्पेशलिटीज में से कोई एक सब स्पेशलिटी कंसल्टेंट यहाँ पे अवेलेबल होता ही है फॉर कंसल्टेंट एंड ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी टाइम कंसल्टेंट या ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो कि ये न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी या ट्रांसप्लांट से रिलेटेड होता है। तो हमने यहाँ पे लेवल्स ऑफ केयर देखे जो एसोसिएटेड है हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो लो रिस्क प्रेगनेंसी से लेकर जो हाई रिस्क या क्रिटिकल इल प्रेगनेंसी होती है उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उनका लेवल्स ऑफ केयर क्या होता है, उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो इनमें फोर लेवल हमने पढ़े, फर्स्ट था बेसिक केयर, सेकंड था स्पेशलिटी केयर, थर्ड था सब स्पेशलिटी केयर एंड फोर्थ था रीजनल पेरिनेटल हेल्थ केयर सेंटर्स। ओके, थैंक यू।